Let us start with new chapter, surface area and volume. जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं तो चैप्टर शुरू करने से पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें कब एरिया ढूंढना है, कब वॉल्यूम ढूंढना है, कब कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है और कब टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। दो चार नए वर्ड्स हैं, इजी गोइंग। पहले अपन थियोरी समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे फॉर्मूलेस और ये सब चालू करेंगे। सबसे पहली बात तो एरिया कब और वॉल्यूम कब, उससे भी पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि आप लोग ने अभी तक एक स्टैंडर्ड में जो पढ़ा वो अपन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए पढ़ रहे थे। कौन से स्ट्रक्चर के लिए? टू डायमेंशनल। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है टू डायमेंशनल? कोई मूवी थोड़ी देखने जा रहा है मैं कि डायमेंशन डायमेंशन की बात कर रहे हो और एक 3D मूवी जा रहे हो चश्मा लगा के जाना। 3D, थ्री डायमेंशनल, विच हैज एक्स एक्सिस, विच हैज वाई एक्सिस एंड विच ऑल्सो हैज जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब कहना मैम अभी भी पता तो नहीं चल रहा है ना। अपना सिंपल सा रूम जहां आप बैठे हुए हो उस रूम को देखिए। उस रूम के पास में लेंथ है, ये जो अपना पूरा पार्ट जा रहा है ये कहलाएगा लेंथ। ये जो पार्ट है दीवार का ये कहलाएगा ब्रेथ, दो गए। और ये जो दीवार है दिस इज कॉल्ड एज हाइट। पता चल रहा है ना? आप खुद देखो, तीन डायमेंशन आपको रूम में नजर आएंगे। एक जमीन नजर आ रही है जो लंबी जा रही है, वो हुआ लेंथ। ऐसे आप जहां मैं खड़ी हुई हूँ आप देख रहे हो, ये हो जाएगा ब्रेथ। और जो दीवार है वो कहलाएगी उसकी हाइट। हो गए तीन डायमेंशन, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो अपन जो भी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का रहने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपना कोई भी बॉक्स देखिए, कोई भी बॉक्स। अभी मुझे मेरे पास ये रिमोट दिख रहा है, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्यों? इसके पास है इसकी लेंथ, इसके पास है इसकी ब्रेथ, ये वाला पार्ट, और इसके पास है इसकी हाइट। तो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीन चीज हो गई, एक ये वाली दो और ये वाली तीन। ये सब कहलाते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर आर थ्री डिफरेंट वैल्यूज। कोई भी तीन चीजों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस उसके पास में लगे। इतना समझ में आता है? ठीक। अब अपन जो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो करेंगे फॉर क्यूब और क्यूबॉइड। खाली दो ही चीजें मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूब? एक बॉक्स लीजिए और उस बॉक्स की सारी साइड्स बराबर हो, और एक बॉक्स लीजिए जिसकी साइड्स अनइक्वल हो। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाएगा क्यूब, और सारी साइड्स जब अनइक्वल है या दो इक्वल है या कुछ भी है, मैं तो बाय डिफॉल्ट लूंगी कि एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट। मेरे पास हॉल है, इस हॉल में ये वाली लेंथ मेरी करीब 20 के आसपास जाती है, ये वाली जो मेरी ब्रेथ है ये 13-14 के आसपास जाती है, तो अलग अलग दो वैल्यूज हो गई, और हाइट जो है वो 10 के आसपास जाती है। तो हमारा जो रूम है दैट रिजेंबल्स क्यूबॉइड। ठीक है, कोई भी बॉक्स हमने एक एग्जांपल लिया तो दैट बॉक्स दैट रूम रिजेंबल्स क्यूबॉइड। और क्यूब का मतलब जब सारी साइड हमारे पास में इक्वल हो तो हम लोग उसे नाम देंगे क्यूब। इतना भी समझ में आता है? अब क्वेश्चन ये चल रहा था कि एरिया कब ढूंढना है और वॉल्यूम कब ढूंढना है। मैं उस टॉपिक पर थी, एरिया कब ढूंढेंगे? अभी तक जब हम 8 स्टैंडर्ड तक है, जब तक अगर हमें किसी चीज की फेंसिंग करनी है आजू बाजू, तो हम उसका ढूंढते थे पेरीमीटर, और
बोले हॉर्स है वो कितनी ग्रास खाने वाला है, तो अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता था? एरिया, है ना। हम दो चीज अभी तक ढूंढते आ रहे हैं, बाहर वाला बोलते थे हम सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, और मतलब सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस वो अपने आप समझ जाने का, ऐसा नहीं कि आपने गलत बोल दिया, बाहर वाला पार्ट और बीच का ढूंढ रहे तो हम बोलते थे एरिया। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, तो बाहर जब हम लोग कुछ जाली लगाने जा रहे हैं, है ना, घर के आजू बाजू जाली लगा रहे हैं, तो अब वो जाली के पास लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, खाली एक तार नहीं बांधने। तो जब हम बाहर की पूरी चीजों को कवर करने की बात करेंगे, आई सेड पूरा, तब हम ढूंढेंगे उसका एरिया, और जब हम अंदर किसी चीज को भरने जा रहे हैं तब हम ढूंढेंगे उसका वॉल्यूम। आपको एक कंटेनर दिया, एक कंटेनर दिया, उस कंटेनर के अंदर बोला पाउडर भर दो, बोला इसके अंदर ऑयल भर दो, बोला इसके अंदर पानी भर दो, तो वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? दैट इज इट्स वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तब हम ढूंढेंगे वॉल्यूम। और जब बाहर कर रहे हैं तो बाहर अब हमारी जाली खाली एक पतली तार नहीं है, क्या बोल रहे हैं हम वर्ड? जाली। जाली कैसी होती है? जब हमारे पास में ऐसा पार्ट हो, ऐसा वाला, ये क्या कहलाएगा? एक मच्छर जाली लगा रहे हैं अपन, नेट जो लगाई जाएगी, तो नेट हैज लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। आपने सिर्फ एक तार लेके फेंसिंग नहीं कर दी, वो फेंसिंग कहलाती है। अभी अपन क्या कर रहे हैं? बोले आजू बाजू को, अरे सिंपल सी बात है कि घर को बाहर से पेंट करना है, घर को अंदर से पेंट करना है, तो क्या करोगे? बोले खाली एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींचोगे नहीं ना, क्या करोगे? पूरा पेंट करोगे। तो जब पूरा पेंट कर रहे हो तो वो क्या मानेगा? कि आपने ये पार्ट भी पेंट किया और ये पार्ट भी पेंट किया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पता चल रहा, इतना तो समझ में आएगा कि जो काम पहले पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस करता था वो अब करेगा हमारा एरिया, और पहले जो काम एरिया करता था वो अब करेगा वॉल्यूम। तो अब हम लोग बाहर की चीज या कोई चीज को कलर कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स एरिया, और अंदर सामान भर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू फाइंड वॉल्यूम। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक। अब एक और नया वर्ड आ जाएगा, वो नया वर्ड रहेगा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी हम सिलेंडर पढ़ेंगे, हम कोन पढ़ेंगे, हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे, हम स्फीयर पढ़ेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना। एकदम जल्दी जल्दी से मैं सारे फॉर्मूलेज नहीं बता दूंगी कि अरे बाप रे एक दिन में पढ़ लिया, अभी आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, शांति से अपन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, बर्डन नहीं, ठीक। लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस वर्ड आएगा, सिलेंडर होगा तो बोलेंगे कर्व हो रहा है, और ये डब्बा है, ये डब्बा होगा तो हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। अब एक बॉक्स है, उस बॉक्स की लेबलिंग करनी है ना, यही वाला डब्बा ले लो, तेरा डब्बा, और इस डब्बे पे लेबल करनी, और वो लेबलिंग करके अमेजोन से आपने कुछ मंगवाया है भाई, है ना। अब वो अमेजोन से जब आप मंगवा रहे हो तो ऊपर की जो कवरिंग होती है वहां तो वो एक वाइट कागज चिपका के, पता है सबको, और आपका एड्रेस लिखकर भेज देते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो साइड होती है क्या उस पे अमेजोन लिखा होता है? पेज जो होता है डब्बे का, नहीं, अमेजोन का लिखा है साइड में ना, समझ में आता है? मतलब कहीं पर भी अगर ब्रांडिंग करनी है अपने को, अपने नाम को भेजना है, तो हम कहां पर कवरिंग करते हैं? चारों तरफ। या अगर सिलिंड्रिकल शेप है, ये देखो ना, ये बॉटल, इस बॉटल ने ना तो नीचे कोई लेबलिंग कर रखी है, ना ऊपर कोई लेबलिंग कर रखी है, लेबलिंग कहां कर रखी है? बीच। ये वाला जो इसका सेंट्रल पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया, पता चलता है। तो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जब हम कहीं पर नाम लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या ढूंढेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया या
लैटरल सरफेस एरिया। जब आप इस पूरे को कवर करने जा रहे हो तो ऊपर का हिस्सा भी कवर करोगे, नीचे का भी हिस्सा कवर करोगे, तब क्या ढूंढोगे? टोटल सरफेस एरिया। सपोज करिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि आपका एक रूम है, उस रूम को आपको कलर करना है, तो मैम क्या ढूंढे बोलो? वॉल्यूम का मतलब तो ये हुआ कि कलर आपने इस पूरे कमरे में भर दिया, बीच में डब्बा ढूंढ दो तब वो कहलाएगा। हाँ, मेरे पास आया आंसर टोटल सरफेस एरिया, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर आप आंसर दे रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया तो डेट इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा तो नाम ही नहीं बताया आपने और क्वेश्चन पूछ लिया, बेईमानी कर दी। क्यों बच्चा? जब आप टोटल सरफेस की बात करोगे तो ऊपर की दीवार पेंट होगी, चारों दीवारें जो है वो पेंट होगी, और टोटल में कौन आएगा? फ्लोर भी आ जाएगा। क्या फ्लोर पे कलर करवाओगे? जो आपकी टाइल्स है उस पर कलर करेंगे अपन? नहीं ना, तो टाइल्स पे कलर नहीं होता। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिया तो खाली कौन आएगा? चारों दीवारें आएंगी, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे पार्ट में जब हम लोग कलर करने जाते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला रूम, और या टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर, दोनों में से जो भी ऑप्शन अपने को बेटर लगता है अपन वो यूज करते हैं। फॉर्मूलेस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। बिना क्वेश्चन को समझे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर दिया जाएगा कि हमारी मर्जी आई और हमने लैटरल ढूंढ लिया, हमारी मर्जी आई हमने टोटल ढूंढ लिया, हमारी मर्जी आई हमने वॉल्यूम ढूंढ लिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या क्या निकालना है वो देखेंगे, उसके बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो। अब मैं फॉर्मूला चालू करते हूँ। क्यूबॉइड का फॉर्मूला पहले मैं ले रही हूँ, क्यूब का बाद में समझाऊंगे तो इजी पड़ेगा। क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड का एग्जाम्पल आप सबके सामने है। आपके पास आपकी दीवार है, एक बॉक्स दिखाती हूँ मैं, एक बॉक्स लिया अपन ने अमेजोन का, ये वो अलग बात हो गई, ब्रांडिंग हो गई। चले, एक बार हमारे पास लेंथ है पता चल रहा है, ये कहलाएगी उसकी ब्रेड और ये कहलाएगी उसकी हाइट, इतना समझ में आता है। अब मुझे ढूंढना है इसका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या पार्ट है? लेंथ। और ये क्या पार्ट है? हाइट। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, पता चला। एक साइड मैंने ली ये वाला पूरा पार्ट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ओके ये हो गया। अब ये वाला भी क्या कहलाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, चलो दो बार हो गया। अब ये पार्ट क्या कहला रहा है? ब्रेड। और ये क्या कहला रहा है? तो ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, टर्न अराउंड, ये भी क्या कहला रहा है? ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितनी बार हो गया? दो बार। दो बार में क्या पता चला? एक बार लेंथ और हाइट, ब्रेड और हाइट। अब बॉक्स को ऐसे करो, क्या नजर आएगा? ये पार्ट कहलाएगा लेंथ और ये पार्ट कहलाएगा ब्रेड, तो दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। समझ आया? फॉर्मूला बन गया आपका। आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का जो फ्लोर है वो हो गया लेंथ और ये पार्ट हो गया ब्रेड, लेंथ और ब्रेड। ऐसे ही रूफ, वो भी क्या कहलाएगा? लेंथ और ब्रेड, दो बार हो गया, टू टाइम्स लेंथ और ब्रेड। अगर आपको पेंटिंग करनी है तो एक बार का लेंथ और ब्रेड हटा दो, ये लेंथ और ब्रेड जो है वो रूफ के लिए है और फ्लोर के लिए, इतना दिमाग चला। अब ये वाली दो दीवारें अपन आजू बाजू वाली लें तो ये कहलाएगा लेंथ और हाइट, ये वाली भी कहलाएगी लेंथ और हाइट, दो बार हो गया लेंथ और हाइट। अब बच्ची मेरे पीछे वाली दीवार और सामने वाली दीवार, ये पार्ट कहलाएगा ब्रेड और ये कहलाएगा हाइट, ऐसे ही सामने वाला भी टू टाइम्स ब्रेड और हाइट। इजी वन समझ में आया? अब इसमें से टू कॉमन निकाल दो। फॉर्मूला लिखने का तरीका, एल बी
पहले लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपको याद भी हो जाएगा, एक बार लेंथ और ब्रेड्थ, एक बार ब्रेड्थ और हाइट, और अगली बार हाइट और लेंथ, दो दो चीजों को अपन ने ले लिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिखिए, अब यही चीज हम लोग लैटरल सरफेस एरिया में लेंगे। लैटरल मैंने आपको क्या बताया, अमेज़न का नाम इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है, इधर लिखा है और इधर लिखा है, चारों साइड पे हम लोगों ने लिख रखा है। ये चारों साइड क्या कहलाएगी, लैटरल सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमें, तो लैटरल सरफेस एरिया में लेंथ और हाइट, इधर भी लेंथ और हाइट, तो दो बार हमारे पास आ गया लेंथ और हाइट, और बाकी दो बार ये वाला क्या कहला रहा है, ब्रेड और हाइट। भाई रूफ नहीं है, फ्लोर नहीं है, तो रूफ और फ्लोर हटा दो, यानी दो बार का लेंथ और ब्रेड हटा दो, 2LH और 2 टाइम्स BH, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला अच्छा दिखाने के लिए 2 और H को कॉमन निकाल दिया, इसमें भी 2 है और दोनों में H है, अंदर क्या बचा, L प्लस B, तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिखिए, इसी का थर्ड फॉर्मूला लेंगे। अभी अपन क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी लिख रहे हैं, थर्ड फॉर्मूला हमारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। जैसे हम लोग पहले एरिया ढूंढते थे तो बोले लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसे आप वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं तो आंसर क्या आया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तीनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम।